हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है नियोवल्टेक। दोस्तों, एक और लेटेस्ट और बड़ी रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया में निकली बड़ी भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, योग्यता की। दोस्तों, यहाँ पर 10वीं और 8वीं, अगर आपके पास सिर्फ 8वीं पास भी हैं आप, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है और 10वीं पास वाले कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एज लिमिट की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी यहां पर आयु सीमा दी गई है, 18 से 50 साल। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल है और अधिकतम 50 साल है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात यह है कि यहां पर आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, बिना एग्जाम के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर दोस्तों को शेयर नहीं करते, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके। और दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही और अभी, और घंटी का बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं इस पूरी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड AIESL की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं पोस्ट की। तो यहां पर यूटिलिटी हैंडल की पोस्ट है और ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी है। तो दोस्तों, इन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर बात करते हैं यूटिलिटी हैंडल के लिए, तो 8वीं क्लास अगर आप पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ड्राइवर पोस्ट के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है, और यही SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस है। तो दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है, आवेदन जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपको पे करना होगा, ठीक है, जो कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के समय करना है। तो यहां पर एज लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर मिनिमम जो है 18 साल है, और मैक्सिमम यहां पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए 45 साल है, और यहां पर ओबीसी के लिए 48 साल है, और SC ST के लिए 50 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सीधा आपका इंटरव्यू होगा, आपकी यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू के बेस पे ही आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपका इंटरव्यू जो है, आप देख सकते हैं 5 जनवरी को आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, जो कि यूटिलिटी हैंडल वालों के लिए होगा, और ड्राइवर की पोस्ट के लिए 12 जनवरी को इंटरव्यू होगा। ठीक है, दोनों ही शनिवार के दिन इंटरव्यू होंगे। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग टाइम है, आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, और 11:30 बजे तक आपका, मतलब 2 घंटे तक ही आपके इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो समय पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, और यहां पर एड्रेस भी दिया गया है, AIESL पर्सनल डिपार्टमेंट, A320 एवियोनिक कॉम्प्लेक्स, IGI एयरपोर्ट, नियर न्यू कस्टम हाउस, दिल्ली 110037। पिन कोड नंबर भी दिया गया है। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको जाना है और यहां जाकर के आपको इस इंटरव्यू को देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा, और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। 7 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके द्वारा अगर आप नौकरी करते हैं तो यहां पर आपको सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट भी दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं यूटिलिटी हैंडल के पदों पर वैकेंसी है और ड्राइवर पदों पर वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहां पर दिया गया है, मिनिमम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी, लेकिन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मांगा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जनरल कंडीशन यहाँ पर दी गई है। और अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, आपको आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको लेके जानी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्वालिफिकेशन के जो भी मार्कशीट जो भी है उनके सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर लेके जाना होगा। और अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपके जो भी DD बन रहे हैं, SC ST में भी अगर आप आते हैं तो भी आपको DD लगाना पड़ेगा, तो उसका आपको जो DD है वो यहां पर जाकर के सबमिट करना होगा, और यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, इस फॉर्म को आपको साथ में भर के लेके जाना है। ठीक है, इस फॉर्म को
फिर आपको भरना है, यहाँ पर आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपका नाम, धर्म, आपका जो भी नेशनलिटी है, पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपकी कैटेगरी, कम्युनिटी जो भी है, जनरल एससी एसटी ओबीसी किसमें भी आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालनी है, 8वीं 10वीं की डालनी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आप डाल सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप आपके आपके पास में आईटीआई है, डिप्लोमा है, डिग्री है तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, आप कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर टिक करने हैं, राइट टिक करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी पता चले इस भर्ती की, और वो भी अप्लाई कर सके, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सके। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।